बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा रिवीजन का चैप्टर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपने पता का नाम लेके। पार्टिकल की बात करें सबसे पहले तो प्रोटॉन, ठीक है, सिंबल P। दूसरा पार्टिकल है आपके पास न्यूट्रॉन, सिंबल N, छोटा है, ठीक है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन, छोटा है। रिलेटिव मास कितना है? 1। रिलेटिव मास कितना है? 1/1840। कहीं कहीं 1/1800 लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं 1/1840 लिखा हुआ है। प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव 1 चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज। ठीक हो गया, ये तो एक बड़ी बेसिक सी चीज़ थी जो कि आप लोग ओ लेवल से पढ़ के आ रहे थे। हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस का मास है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ द एटम, और जो न्यूक्लियस होता है इट इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इट हैज, हम ये कहते हैं कि द एटम इज इक्वल टू न्यूट्रल वाई बिकॉज एक्स एक्स में इक्वल प्रोटॉन्स प्लस इक्वल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और प्रोटॉन नंबर जो होता है जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम। और न्यूक्लियॉन नंबर जो कि मास नंबर होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम आगे बात करते हैं जो द नेक्स्ट थिंग विच वी सी इज डिफ्लेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, द डिफ्लेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल जो है तो वो कि सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूडेड है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर कर रहे हैं। ये आपके पास पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास जो है वो नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। अब उस हम ये कहते हैं कि देखें, हम ये कहते हैं कि देखें, आपके पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आ रही है तो उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर हियर प्रोटॉन्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर हियर एंड न्यूट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर हियर, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बीम जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है और प्रोटॉन आता है। तो आप क्या कहते हो कि इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, द प्रोटॉन इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट एंड द न्यूट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स इज नॉट डिफ्लेक्टेड, ठीक है। और इसके बारे में आप जो टू बातें करते हो कि हायर द चार्ज चार्ज मोर द डिफ्लेक्शन, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि मोर द मास लेसर डिफ्लेक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हम आइसोटोप्स की डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है कि आइसोटोप्स जो होते हैं एटम या एटम विच आर सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर, ठीक है। प्रोटॉन नंबर सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है। द नेक्स्ट मेजर थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि आपके पास जो होते हैं
एस सेल होता है, पी सेल होता है, डी सेल होता है, एच सेल होता है। ठीक है, एस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6 आते हैं, डी के अंदर 10 आते हैं, और एफ के अंदर 14 आते हैं। ठीक है, फिजिक्स के। ओके और हम ये कहते हैं कि जो चार आपके पास शेल्स होते हैं, एस पी डी एंड, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6 आते हैं, डी के अंदर 10 आते हैं, और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इसको अब देख सकते हैं कि एक दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज द डी ब्लॉक, एंड दिस इज द पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक डज नॉट कंसिडर, शुड नॉट वरी यू एट दिस स्टेज। ओके, तो ये जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपके पास आता है, पीरियोडिक टेबल में इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आपने सीख ली। ठीक है, हम कहते थे कि क्रोमियम और कॉपर दो एलिमेंट्स हैं विच आर एन एक्सेप्शन। ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़रा डिफरेंट है देन द एक्सपेक्टेड पैटर्न। ठीक है, वो क्या है, क्रोमियम की है Ar3d4 4s2, कॉपर की जो है इट इज Ar3d4 4s2। लेकिन हम कहते हैं कि इस तरह ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d5 4s1 है, और Ar3d10 4s1। ठीक है, तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोनों की, और ये जो है ये आपको एक पैटर्न जो है वो याद करना होगा। एंड सिर्फ क्रोमियम और कॉपर ही हैं जिनमें ये पैटर्न जो है वो इस तरह का है, बाकी सब में जो एक्सपेक्टेड पैटर्न जो आप फाइंड करते हैं वो उसी तरह है। कोई भी इन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड डी सब शेल और कम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द एटम। ठीक है, और ये कहते हैं कि द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s सब शेल एंड 3d सब शेल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयरफॉर वी कैन शिफ्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s टू 3d ऑर्बिटल टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। दिस रूल अप्लाई फॉर कॉपर एंड क्रोम। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी टॉक अबाउट इज ऑर्बिटल्स। अच्छा, ऑर्बिटल क्या होता है, हम ये कह देंगे इट इज द रीजन ऑफ स्पेस। आई राइट इट डाउन, इट इज रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय वन और टू इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, द एस पी डी एफ सबशेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एवरी इलेक्ट्रॉन स्पिन जो होती है, जो भी इलेक्ट्रॉन स्पिन होगी इट इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल इफ दे हैव द सेम ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका, हम ये कहते हैं अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि आपके पास ऑर्बिटल है, उसकी शेप बताएं और उसका
अकरेंस बताएं। ऑर्बिटल्स आपके पास एस पी डी एफ है, इसकी स्फेरिकल शेप है, इसकी डम्बबेल शेप है, इसकी वेरियस शेप्स हैं और इसकी भी वेरियस शेप्स हैं। आप जब ए टू में आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो डी सब शेल है इसकी कितनी वेरियस शेप है। ठीक है, अकरेंस जो होती है वो क्या होती है, वन इन एवरी प्रिंसिपल लेवल। थ्री इन लेवल्स फ्रॉम टू अपवर्ड्स। फाइव इन लेवल्स फ्रॉम थ्री अपवर्ड्स एंड सेवन इन लेवल्स फ्रॉम फोर अपवर्ड्स। ठीक हो गया, दिस इज इट। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला जो टॉपिक था वो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस है। ठीक है, एटॉमिक हम ये कहते हैं कि देखो अगर अट्रैक्शन बढ़ा देंगे तो साइज कम हो जाएगा, और अगर रिपल्जन बढ़ा देंगे तो साइज ज़्यादा हो जाएगा। और जो साइज ऑफ पार्टिकल है इट डिपेंड्स अपॉन फोर फैक्टर्स, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देंगे तो साइज कम हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा देंगे तो साइज ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ा देंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ा देंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। अब हमने उसके बाद बात की कि रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन। हम ये कहते हैं कि एन ए पॉजिटिव, देखो हम ये कहेंगे एन ए पॉजिटिव स्मॉलर देन एन ए। ठीक है, व्हाई? बिकॉज इट हैज वन फ्यूअर शेल, इट हैज वन फ्यूअर शेल। ठीक है, उसके बाद हम ये कहते हैं एम जी पॉजिटिव इज स्मॉलर देन एम। व्हाई इज दैट? बिकॉज एम जी पॉजिटिव हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इट डिक्रीजेस द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। ठीक है, अच्छा ये जो था ये तो सिर्फ एक नॉन रिवायती चीज़ थी, रिवायती चीज़ में अब आपको बताता हूँ। अब लिखो यहाँ पे एन ए पॉजिटिव एम जी टू पॉजिटिव ए एल थ्री पॉजिटिव। टू एट टू एट टू एट, 11 प्रोटॉन्स, 12 प्रोटॉन्स, 13 प्रोटॉन्स। ये ऐसे ठीक है, इसमें हम ये कहते हैं कि जो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज है वो आप बढ़ा देते हो। जब आप सोडियम से मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम जाते हो तो सो द रेडियस डिक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट सेम और नंबर ऑफ शेल्स ठीक हो जाएगा। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस के बारे में कि भाई ये तो पॉजिटिव उसकी रेडियस की बात थी। अब जरा नेगेटिव उसकी बात करें तो P फॉस्फोरस C नेगेटिव होता है, S2 नेगेटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। अच्छा जी, इस तरह 2 8 8 होता है, 15 प्रोटॉन्स। 2 8 8 होता है, 16 प्रोटॉन्स। 2 8 8 होता है, 17 प्रोटॉन्स। ठीक है, और आप जो है वो यहाँ बैरो लगाएंगे, थोड़ा तो सा एरो जो है वो तो कर देंगे। रेडियो कम कर दिया हमने।
न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आप बढ़ा बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट। सेम नंबर ऑफ शेल्स, ठीक हो जाएगा। अच्छा ये जो था ये तो ट्रेंड, अच्छा ठीक हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये आपने कुछ एग्जाम्पल, अब एक ग्रुप में क्या होगा, जैसे आप कभी उस लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो तो हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अक्रॉस अ पीरियड जाओगे तो एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, ठीक है। और आप इस क्यों, इसकी वजह ये हो जाती है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेन द सेम बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो हम अगली चीज जो है वो स्टडी करते हैं, एंड दैट इज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली हम ये कहते हैं कि देखो दो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हम सिर्फ एनर्जी फर्स्ट की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन वन मोल ऑफ गैसेस एटम टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसेस वन नेगेटिव आयन, ठीक है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियर चार्ज होता है, डिस्टेंस होता है, और शील्डिंग इफेक्ट होती है। न्यूक्लियर चार्ज अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आप न्यूक्लियर चार्ज है इंक्रीज कर दोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीज, अगर आप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक होगा। इसमें कोई मुश्किल बात, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप में क्या होते हैं। अब ग्रुप में नीचे जाते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम फ्रांसियम, ये ग्रुप वन था। ग्रुप सेवन में अगर देखते हैं क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टरोजन, तो उसमें जो होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। अब ये बात ये भी याद रखें कि वेरिएशन ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ शेल्स। ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बता रही है कि आपके पास जो है वो एटम में शेल्स प्रेजेंट, और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में इंक्रीज आता जाएगा इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द सेम क्वांटम सेल, ठीक है। और एक दम एक देर विल बी अ बिग जंप
इन द सक्सेस आयनाइजेशन वैल्यूज इफ इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम द इनर स्टेबल पॉइंट, ठीक है, और व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेम शेल विल बी ग्रेजुअली इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज़ द साइज ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन. दिस वाज इट फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर की रिवीजन. और अगली वीडियो में आपके साथ अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो मार दें ताकि आपको हर किस्म की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.